भागलपुर में रविवार की सुबह एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जहां एक ट्रेन की बोगी लोडर समेत स्टेशन के मुख्य द्वार के समीप स्थित लोहिया पुल की रेलिंग से टकराकर रेलिंग तोड़ते हुए दोनों ओर झूल गई। वहीं इसकी सूचना मिलते ही जहां रेलवे के अधिकारी एवं कर्मियों के अलावे जिला पुलिस प्रशासन की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची, जबकि इस खबर के फैलते ही वहां इस दृश्य को देखने और मोबाइल में कैद करने वालों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन की पुरानी बोगी को लोडर ट्रक पर लोड कर स्टेशन के उत्तरी छोर की ओर ले जाया जा रहा था, तभी इसी बीच अचानक लोडर का ब्रेक फेल हो जाने से वह अनियंत्रित हो गया, जिसके बाद चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए लोहिया पुल के फुटपाथ की ओर ट्रक को मोड़ दिया, जिससे बोगी समेत लोडर रेलिंग से टकराकर आगे सड़क की ओर झूल गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद लोहिया पुल से स्टेशन की ओर जाने वाली रोड का आवागमन बाधित हो गया। इधर ट्रैफिक DSP भी मौके पर पहुंचे और तत्काल शहर के रूट में परिवर्तन कर आवागमन शुरू करवाया, जिसको लेकर खलीफाबाग चौक और वैरायटी चौक के रास्ते पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ड्राइवर की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया, जबकि रविवार और सुबह का समय नहीं होता तो काफी संख्या में लोग और यात्री इस हादसे की चपेट में आ सकते थे। वहीं लोगों ने बताया कि पहली बार सड़क पर रेलवे की बोगी रेलिंग से टकराने की दृश्य को देखकर सभी हैरान रह गए और इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। लोहिया पुल पर एक लोडर गाड़ी पर ट्रेन की बोगी को लेकर जाया जा रहा था, उसी क्रम में ब्रेक फेल हो जाने के कारण जो है ये गाड़ी जो है पलट गई है और मुझे लगता है कि ड्राइवर की सूझबूझ के कारण एक बड़ी घटना से भागलपुर बचा है। आज साल के अंतिम दिन ये बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि लोहिया पुल है, इस लोहिया पुल पर कितनी भीड़ रहती है आप जानते हैं, लेकिन किसी पर भी जो है वार्ड संख्या 38 का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई भी हताहत की घटना नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना टली है, ईश्वर ने बचाया है। लेकिन अभी प्रशासन से हमने बात की है और जल्द से जल्द जो है इस पर वो आएगा, बचाव कार्य की टीम आ रही है, जल्द से जल्द यहाँ से जो है, क्योंकि रास्ता पूरा बाधित हो गया है, लोहिया पुल का ये मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग का तो बड़ा हादसा, एक बड़ा हादसा टल गया है और बहुत बड़ा हादसा हो भी गया है, हादसा तो बहुत बड़ा ही हुआ है, जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ है, कोई भी हताहत की सूचना नहीं है। हम लोग यहाँ जैसे घटना की सूचना मिली तो यहाँ पहुंचे हैं, प्रशासन के लोग भी आ गए हैं, धीरे धीरे बचाव कार्य किया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर गांव में शनिवार की देर रात वरुण शाह की गौशाला में पटाखा की चिंगारी के कारण आग लग गई। इस अगलगी की घटना में एक मोटरसाइकिल सहित गौशाला का पूरा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर वरुण शाह के पुत्र सोनू कुमार ने बताया कि उसके घर के समीप पल्लवी मैरिज हॉल में एक शादी समारोह थी, जिसको लेकर बारातियों द्वारा आतिशबाजी की जा रही थी। इसी क्रम में पटाखा की चिंगारी गौशाला में चली गई और देखते ही देखते गौशाला में आग तेजी से फैल गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता फेयर प्राइस एसोसिएशन के सचिव संजीव कुमार सिंह ने की। इस दौरान एसोसिएशन के द्वारा आगामी 1 जनवरी 2024 से राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, साथ ही 8 सूत्री मांगों के समर्थन में भी कई निर्णय लिया गया। वहीं एसोसिएशन के द्वारा 8 सूत्री मांग का ज्ञापन भी सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को सौंप कर मांगों पर अविलंब विचार करने की बात कही गई। इधर एसोसिएशन के अध्यक्ष पिंटू दुबे ने बताया कि उन लोगों की 8 सूत्री मांग में मानदेय देने, कमीशन में वृद्धि करने, पूर्व की तरह अनुकंपा का लाभ देने के अलावा भी कई मांगे शामिल हैं। साथ ही कहा कि जब तक उन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक उन सभी डीलर का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। वहीं एसोसिएशन की ओर से BDO को ज्ञापन देकर राज्य एवं केंद्र सरकार से भी मांगों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने की मांग की गई। मौके पर मिट्टू कुमार, नोमान अंसारी, बंटी खान, शशि रंजन समेत काफी संख्या में डीलर्स मौजूद थे।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंशी पट्टी गांव में 25 दिन पूर्व एक शिक्षिका के पुत्र का अपहरण हो गया था। घटना में पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिजन डरे सहमे रह रहे हैं। वहीं इस मामले में अपहृत युवक शैलभ कुमार उर्फ मिल्टन की मां शिक्षिका इंदु देवी एवं अपहृत युवक के मामा का कहना है कि विगत 5 दिसंबर 2023 को बैकटपुर गांव निवासी बटेश्वर शर्मा का पुत्र रंजीत शर्मा उर्फ टुनटुन शर्मा मोटरसाइकिल पर बैठाकर शैलभ कुमार को बाजार ले जा रहा था। घरवालों का कहना है कि इसके बाद शैलभ घर वापस नहीं आया, जबकि रंजीत शर्मा से जब उसके बारे में पूछा गया तो उसने मुरारका कॉलेज के गेट पर शैलभ को उतारने की बात कही, जबकि इसके बाद उसने कभी कहीं तो कभी कहीं और का पता बताया। वहीं इस घटना के बाद घरवालों को अपने पुत्र के अपहरण की आशंका हुई, जिसके बाद बच्चे की बरामदगी के लिए इसकी सूचना सुल्तानगंज थाना को देकर 6 दिसंबर को थाना में लिखित आवेदन भी दिया गया। इधर शैलभ उर्फ मिल्टन की अपहरण की आशंका से ग्रस्त उनके परिवार वालों को जब अपने बच्चे की कोई खबर नहीं मिली तो घर वालों ने पुलिस प्रशासन पर अपने पुत्र की खोजबीन नहीं करने का आरोप लगाते हुए भागलपुर डीआईजी डीएम एसएसपी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री डीजीपी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी डाकघर के माध्यम से लिखित आवेदन भेजा है। परिजनों का कहना है कि शैलभ कुमार उर्फ मिल्टन कुमार की बरामदगी के लिए वो सभी काफी परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिससे उन सभी की चिंता बढ़ती जा रही है। मेरा नाम है अनिल प्रसाद यादव उर्फ पुतुल। तो बच्चा का जो अपहरण हुआ, कौन है आप उनके? हम उनके मामा हैं। क्या हुआ घटना? घटना हुआ काली स्थान जो है ना, काली स्थान के पास देखा मैंने उनको, टुनटुन शर्मा को मोटरसाइकिल पर उसने उसको बैठाया। हम सोचे कि जो है ना गांव घर का है, कहीं लेके जाता होगा, लेकिन बाद में पता चला कि जो है ना, जब आई हमारी बहन कहने के लिए कि रे मिल्टनो नहीं अलो है और जो है ना टुनटुन मामा ले गलो रे देखने रही है मम्मी अथी में, तो हम कहलिए हम मुँह तो देखने तकर बाद जो है ना वो जो है तकर बाद तो वह ना फोन से संपर्क कर ली और जो है फोन से संपर्क करला के बाद भी जो है ना वह ना कखनू मुरका कल जो गेटो कखनू फटकल गाँव हम लोन नहीं छियों, ऐसी ना जो है खाली टार मटोर में करते रहे। क्या लगता है आपको उसको जो है ना उसका अपहरण हो गया? कौन किया है? टुनटुन शर्मा। आपने थाना में दिए आवेदन? हाँ आवेदन दे दिया है। कब दिए थे? 6 को। तो क्या हुआ कार्रवाई? कार्रवाई अभी तक जो है ना, जैसे कि आए थे तो जो थे पदाधिकारी वो मैंने कि हम तो नाम नहीं बता पाएंगे सबका, तो रात में आए, उसके बाद जो है ना हमारे घर वाले का जो है ना सबका नाम उम लिख के ले गया, और उसके बाद जो है ना फिर भोर में जो है वो कोई वो लेडी आई थी, उसने जो है ना वहीं पर FIR बनाई और मेहमान से और हमारे बहन से जो है ना दोनों से मैंने कि जो उस पर सिग्नेचर करवाया, उसके बाद ले गया। ले जाने के बाद जो है ना फिर उन्होंने मैंने 9 तारीख को हमको FIR की कॉपी दी। उसकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं गिरफ्तारी नहीं हुई अभी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से
जमीन विवाद समेत कई तरह के मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान अंचल अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि जनता दरबार में जमीन विवाद के 2 मामले आए, जबकि पूर्व में आए 6 पुराने केस में से 4 केस का निष्पादन सुनवाई के बाद कर दिया गया। अंचलाधिकारी ने कहा कि बाकी सभी केसों का निष्पादन अगले शनिवार की सुनवाई में कर दिया जाएगा। वहीं इस दौरान जनता दरबार में शाहबाद वार्ड 21 से जमीन विवाद के मामले में फरियाद करने पहुंचे एक पक्ष के लोगों का कहना था कि वे सभी उन जमीन के 5 मालिक हैं, जिसमें प्रेमलता देवी, शांति देवी, प्रमोद मंडल, जनार्दन दास और रमण दास शामिल हैं, जबकि नरेश मंडल, पुरुषोत्तम मंडल एवं अन्य कई लोगों के द्वारा उस जमीन पर कब्जा कर जबरन हटिया बना लिया गया है। इधर दूसरे पक्ष के नरेश मंडल का कहना है कि जमीन के असली मालिक वे लोग हैं और फिलहाल इसका मामला न्यायालय में चल रहा है। साथ ही कहा कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उन सभी को उसका पालन करना पड़ेगा। इस दौरान जनता दरबार में अंचलाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बलों के अलावा सुनवाई के लिए पहुंचे कई ग्रामीण मौजूद थे।